हाँ कर रहा हूँ ना अटैक, मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ, उसे चीट कर रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? अरे उसके साथ हुए हादसों का थोड़ा सा फायदा मुझे भी मिल जाएगा, तो उसमें गलत क्या है? फायदा उठा लो। कैसी घटिया बातें कर रहा है यार, हम सब यहाँ दिया को मीडिया से बचाना चाहते हैं और तूने उसका तमाशा बना के रख दिया। ये दिया की रियल लाइफ है करण, उसकी असली जिंदगी, ये कोई फिल्म या कोई घटिया सा टीवी सीरियल नहीं है। तो मैंने कब कहा कि उसकी असली जिंदगी नहीं है ये? मेरा इतना कुछ करने से उसका कुछ घट नहीं जाएगा। उसके साथ जो होना था वो तो हो चुका है, उसका रेप होना था हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखो यार, उसके साथ ना मैंने बहुत सारे साल निकाले, इतना हक तो बनता है बॉस मेरा। ये कैसा प्यार है? उससे प्यार करता भी है या नहीं? ये कैसा रिश्ता निभा रहा है तू? बॉस रिश्ता जो होता है ना वो गिव एंड टेक होता है, एक हाथ दो एक हाथ लो। और ऐसी लड़की जिसका रेप हो चुका है उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा। ऐसी लड़की पे सिर्फ दया की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लड़कियां जो होती है ना वो यूजलेस होती है, किसी काम की नहीं होती। तभी इससे बात कर करण, तुझे बर्दाश्त कर रहा हूं सिर्फ दिया के लिए। मुझे लगता था तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते, तू तो बस इसका फायदा उठा। मैं तो उसका फायदा उठा रहा हूं, बिल्कुल उठा रहा हूं। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? जाके दिया को बताओगे? क्या बताओगे उसे कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूं? टूट जाएगी वो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसको टूटने नहीं दोगे, उसको बिखरने नहीं दोगे। तो मिस्टर जर्नलिस्ट, आप अपना मुंह बंद रखो और उसको संभालो जाके। देखिए फायदा तो आप ही का है इसमें, कल को वो ठीक हो जाएगी, आपके ऑफिस में काम करेगी, न्यूज इकट्ठा करेगी, आपका अखबार जो है वो तरक्की करेगा। बाकी आप समझदार हैं। चलता हूं। Relax, calm down. Relax, relax, dear. You're safe. क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? शौर्य नहीं कुछ नहीं, वो नींद में बुरा सपना देख रहे थे। तुम आओ यहाँ बैठो, come. बैठो, बैठो. Just relax. अब ये नाटक भी होगा? बड़ी माँ, मैं तो बिल्कुल ही डर गई थी। अरे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? दिया, please calm down, बेटा. देखो कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम यहाँ हमारे साथ हमारे घर में हो, बिल्कुल सेफ हो बेटा। Just calm down. बेटा, we are just like your family, बेटा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, देखो हम सब है ना यहाँ पर। उर्मी, दिया बहुत डरी हुई लग रही है, ऐसा करो आज रात तुम यहीं रुक जाओ। हाँ हम भी यही सोच रहे थे, आज हम दिया के साथ दिया के कमरे में रुक जाते हैं, ठीक है बेटा? सॉरी आप लोगों को इस तरह आना पड़ा, आप लोग जाकर सो जाइए, आई थिंक शुड बी फाइन। उर्मी ये ठीक रहेगा बेटा, तुम आज दिया के साथ ही रहो, और अगर किसी भी चीज की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो बेझिझक हमें जगा देना। हाँ, डोंट हेसिटेट बेटा। जी मैम। हाँ हाँ, बेझिझक जगा देना। इसमें झिझक कैसी? इनफैक्ट अनिरुद्ध, मैं तो कह रही हूँ कि हमें सोने की क्या जरूरत है, हम सब यहीं बाहर बैठ जाते हैं, पहरेदारी देंगे ना, क्या पता कब ये हॉरर शो फिर शुरू हो जाए। कुछ भी करो लेकिन इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
हाँ, हम सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बस ये ठीक रहे, ये सेफ रहे, कोई कसर मत छोड़ना तुम हमारे सुख चैन नींद हराम करने। कुछ भी हो जाए हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ये ठीक रहे। मैं तो कहती हूँ दो चार और ऐसे लोग हो तो उन्हें भी ले आओ, हम सबका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? दामिनी प्लीज लेट्स गो। हाँ हाँ चलो चलकर सो जाते हैं, या ले चल, ध्यान रखना। हाँ आज हम सबके साथ बैठो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हमने सोचा हम सबके साथ बैठेगी तो अच्छा लगेगा इसे। तुमने बहुत अच्छा किया उर्मी, जो तुम दिया को यहाँ ले आई। हम सबके बीच में बैठकर बातें करेगी तो थोड़ा इसका मन हल्का होगा। रानी दिया के लिए चाय बनाओगी प्लीज? जी हाँ जल्दी ले आओ। सबके साथ बैठो, बातचीत करो, मन बहलेगा, माइंड डाइवर्ट करो। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हाथ से भुलाने में सदियां लग जाती है। तुम ये सब कुछ जितना चाहे उतना कर लो, बदलेगा कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। सब बदल जाता बड़ी माँ, अगर आत्मविश्वास और हिम्मत हो तो सारी मुश्किलें हल हो जाती, सारे बुरे दिन बीत जाते। दिया लो, पीने की कमी थी। करण आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बड़ी माँ। हाय शौर्य। हाय। बैठो करण। जी दी, अब कैसी हो तुम? हम तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाले थे, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मुझे बुलाने वाले थे आप? कुछ काम था आंटी? लीजिए। थैंक यू। शौर्य, दिया के कपड़े जो दिया के घर पर हैं, वो हम सोच रहे थे कि करण को भेजकर मंगवा लेते हैं, ताकि काम जल्द से जल्द हो जाएगा। कपड़े? कौन से कपड़े आंटी? वही कपड़े जो दिया ने हादसे वाली रात पहने थे। फॉरेंसिक टेस्ट के लिए देने हैं करण, ताकि उससे हमारा केस और भी स्ट्रांग हो जाए। नहीं आंटी, वो दिया के घर से मैं वो कपड़े नहीं ला सकता हूँ। क्यों? क्यों नहीं ला सकते तो? अरे क्या लगता है आपको? क्या? कि दिया के मम्मी पापा जो है वो मुझे उनके दरवाजे के सामने भी खड़े होने देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने घर का दरवाजा मेरे मुंह पे मारेंगे और भागने के लिए बोलेंगे वहां से। कैसे लेके आऊंगा मैं वहां से कपड़े? कल तुम ही तो कह रहे थे कि तुम जाकर उन्हें मनाओगे, तो अब क्या हुआ करण? करण, करण प्लीज एक बार तुम जाके तो देखो।
हाँ दिया मैं चला जाता, आंटी वो कल की बात थी और कल की बात कुछ और थी। आंटी अब आप ही बताइए ना, कल उन लोगों ने मुझे दिया के साथ टीवी पे देखा होगा और आज वो सारा गुस्सा, वो दिया का जो सारा गुस्सा है वो मेरे ऊपर उतार देंगे। तो आप मुझे क्यों? कि किसी को तो कपड़े लाने होंगे, हम और शौर्य जाएंगे तो वो उन्हें नहीं देंगे, सो एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर सकते हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माँ, वो कपड़े मैं ले आऊँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाल मान लीजिए आज है ना, आप ऑफिस से ना जल्दी घर आ जाना, हमें ना मार्केट जाना है, बहुत सारा सामान लेना है। अच्छा आज नहीं, आज ऑडिट है, 3-4 दिन बाद चलते हैं। अच्छा ठीक है। या सिखाया था ना सुबह सुबह, क्या बोलते बोलो? हाँ गुड मॉर्निंग। आई हमको नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या वापस बोलने की होती है कि नहीं होती है? ठीक नहीं है क्या? इन लोगों को नहीं सिखाया क्या कुछ? नहीं, गुड मॉर्निंग, हाँ ठीक है ठीक है। कैसा? बहुत जोर से भूख लगी है। अब क्या ये बताओ कि नाश्ते को अंग्रेजी में क्या कहते? तो कोई आदमी है बताना तो पड़ेगा, अरे नहीं बताओगी ना तो तुम्हें नाश्ता नहीं देंगे हम। बोलो अरे बोलो, देखो हम तुम्हें याद दिलाते हैं, देखो बी से होता है, बी से, बी सी रे विवेक आगे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो जल्दी जल्दी को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी होता है ना वो, जल्दी उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जल्दी 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 को जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट, एकदम गुड, सिखा दिया हमने इसको। माँ बाप आप दोनों का हो गया हो तो मुझे चाय मिलेगी, मुझे निकलना है। हाँ चाय चाय दे चाय। नुपुर जी चाय को अंग्रेजी में क्या बोलते? माँ इसकी क्लास बाद में लेना, मुझे चाय दीजिए मुझे निकलना है। दो मिनट रुको अभी ये बता देगी, चाय को टी से शुरू होता है, टी से बताओ। हाँ एक मिनट, आर यू ट्राइंग टू टेल मी जब तक ये बताएगी नहीं तो मुझे चाय नहीं मिलेगी? नहीं नहीं देन फाइन। चीकू बेटा स्टॉप करो, स्टॉप स्टॉप, हम देते हैं तुम्हें चाय, तुम नाराज मत हो, हम देते हैं। नो थैंक यू, आप लोग पीजिए अपना चाय सुर सुर करके। अरे आ गया, अरे गौरव जी ये चीकू, रुको आप कहाँ जा रहे हो? यही रहो, पी लेगा वो बाहर चाय। खड़ूस मर्द लोग बाहर जाके करते क्या है, यही तो करते हैं गुटका और चाय। क्या चे? हमारा बेटा नहीं ऐसा, वो शरीफ है, चाय गुटका नहीं लेता है वो। डोंट वरी, धीरे धीरे तुम्हारी ये चोट और तुम्हारे ये मार्क्स सब चले जाएंगे और फिर देखना ये जो तुम्हारा फेस है ये वापस से एकदम ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ ये घाव तो फिर भी भर जाएंगे शानी,
लेकिन मेरे मन पे लगे हुए घाव दिया, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूं, क्योंकि जो तुम झेल रही हो वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर ये जरूर कहूंगी कि अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग हो ना तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से भी बाहर आ सकते हैं। जस्ट डोंट लूज होप। थैंक्स ईशा। वैसे अगर तुम्हें कोई भी मुझसे बात शेयर करनी हो ना, कुछ भी, तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। ऑल राइट, नो फॉर्मेलिटीज। ईशानी, तुम यहां क्या कर रही हो और दिया के रूम में क्यों आई? उसे रेस्ट करने दो। आंटी, ईशानी तो मुझे दिया, बेटा तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। ईशानी, तुम जाओ यहाँ से। ईशानी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? Are you all right? Nothing like that, आंटी। I'm fine। ईशानी का कोई भरोसा नहीं है। दिया को अगर बेवजह कुछ बोल दे तो बेचारी और परेशान हो जाएगी। आखिर वही हुआ जिसका डर था हमें। आज हर तरफ, हर चैनल पर आपकी बेटी की लूटी इज्जत ब्रेकिंग न्यूज बनकर चल रही है। हा? क्या सोचते हैं कि हम गांव चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? वहां लोग न्यूज नहीं देखते क्या? सबको, पूरी दुनिया को आज पता चल गया है कि दिया के साथ क्या हुआ है। वो किसकी बेटी है और किसकी बहन? और ये करण का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तक तो ये बात नहीं कर रहा था, आज अचानक से ये दिया के साथ में खड़ा है। किसी एक की तकलीफ दूसरे का तमाशा होती है। और ये करण की माँ ना फोन उठा रही है ना बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तुम क्या चाहिए तुम्हें अब? मुझे अंदर आने दो। बाहर लोग देख। नमस्ते। नमस्ते आंटी। मिल गया चैन तुम्हें? सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई कराकर तसल्ली मिल गई तुम्हें? वैसे तुमने अपने अखबार में दिया के बारे में नहीं छापा? मैं तो ढूंढ ही रहा था कि कहीं। आप मुझे फिर गलत समझ रहे हैं अंकल जी। मैंने आपसे कहा था हमारे अखबार में हम किसी की बदनामी नहीं करते। बकवास बंद करो शौर्या। आंटी जी, दिया जो कुछ भी कर रही है वो जरूरी, आप तो आप लोग समझिए, प्लीज उसकी मदद कीजिए। अच्छा, मदद करूं? बताओ कहाँ चलना है मदद के लिए? कौन से चैनल में जाना हम इंटरव्यू देने के लिए? बता दो कहाँ जाके बोलना है कि हम वही माता पिता हैं जिस लड़की के साथ रेप हुआ है। आंटी प्लीज, कम टू द पॉइंट। शोर है, क्यों आए हो तुम यहाँ? दिवेश, हमने दिया कि मेडिकल चेकअप करवाए, इसकी रिपोर्ट बनाने में अभी कुछ और इम्पोर्टेंट टेस्ट बाकी है, उन टेस्ट के लिए वो कपड़े चाहिए जो दिया ने उस हादसे के वक्त पहने थे। आपने वो कपड़े धोए या फेंके तो नहीं? आंटी जी प्लीज, वो कपड़े मुझे दे दीजिए। दिया का केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कपड़े बहुत जरूरी, उसके बिना कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल है। हाँ, है वो कपड़े। प्लीज आंटी, वो कपड़े मुझे मिल सकते हैं? मैं भी लेके आती।
ऐश्वर्या, तुम्हें केस के लिए कपड़े चाहिए थे ना?